नमस्कार, हमें रोहित रोवा देखा था मैच बॉक्स। अभी अभी ललन सिंह जी के आगमन, सिवान के प्रधान कार्यालय में होके जा रहा बा। जदयू के जन प्रधान कार्यालय बटे सिवान जी, जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी के आगमन हो चुकल बटे। रोवा देख सकतनी कि जन राष्ट्रीय अध्यक्ष बानी ललन सिंह जी, जन जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी के आगमन भइल बाटे। और वह के दिखाए के प्रयास करतनी कि ललन सिंह जी आज सिवान में पहुँचल बनी और भुइया आजादी के सबसे बड़ा नेता हैं वहाँ के। और वह देख सकतनी कि पूरा दलबल के साथ वहाँ के पहुँचल बनी। ललन सिंह जी के आगमन सिवान के प्रधान कार्यालय में, जदयू के प्रधान कार्यालय, भुइयार जाति के सबसे बड़ा नेता जदयू के प्रधान कार्यालय में आगमन भइल बाटे। रउवा देख सकतनी पूरा दल बल के साथ राष्ट्रीय, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी पहुँचल बनी। रउवा के दिखाए के प्रयास करतनी कि ललन सिंह जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। देखो देखो के आया सेना, आया सेना। निपुण देखी राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन भइल बाटे और थोड़ा देर में पीछे करें वहाँ के। निपुण भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए यहाँ चुनाव है 25 तारीख को और हम लोग घूम रहे हैं, गोपालगंज भी घूमे हैं, सिवान भी घूम रहे हैं और कहीं कोई लड़ाई नहीं है। बिहार के लोग, सिवान के लोग, गोपालगंज के लोग यह मन बनाए हुए हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है और उसके लिए एक एक सीट का महत्व है और सभी लोग यह मन बना के बैठे हुए हैं कि गोपालगंज से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को और सिवान से श्रीमती विजयलक्ष्मी जी को अपना वोट देकर लोकसभा में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजेंगे। तो इसलिए यहाँ कोई समस्या नहीं है कहीं। अब आप लोगों का कुछ सवाल हो तो पूछिए। सर, समस्या नहीं है लेकिन उसके बाद भी बड़े बड़े चेहरों को सिवान में उतारा जा रहा है, तो इसको क्या समझा जाए सर? देखिए बड़े बड़े चेहरों को उतारा जा रहा है, ये तो चुनाव है, तो चुनाव में घूमेगा नहीं लोग? चुनाव में खाली उम्मीदवार को छोड़ दिया जाता है कि चुनाव प्रचार होता है इस तरह से? सर मतलब देखा जाए तो मोदी जी आए हुए हैं, असम के मुख्यमंत्री आए हैं, आप भी आ गए हैं और उसके बाद लीसी सिंह पहले से ही जो है कि इसमें लगी हुई है। हर क्षेत्र में लोग घूमेंगे नहीं, अपने अपने समाज में अपने अपने लोगों के बीच जाते हैं और लोग बताते हैं, तो घूमना चुनाव प्रचार तो आपके हिसाब से चुनाव का घोषणा हो जाना चाहिए। जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसका मतलब चुनाव का घोषणा हो जाना चाहिए, नामांकन कर देना चाहिए और उसके बाद सो जाना चाहिए। अरे भाई, उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, पार्टी चुनाव लड़ रही है,
इसको बताने के लिए भी तो लोग को घूमना पड़ता है ना। जातीय समीकरण में सर बिखराव को सुना जा रहा है कि बिखराव कुछ है। कौन सा जातीय समीकरण में बिखराव आपको दिख रहा है? जो कहा जा रहा है कि फॉरवर्ड जो है एनडीए से कटे हुए इस बार। क्यों अटे, क्यों कटे हुए हैं सर ये आप ना बताएंगे? नहीं, कोई कटे हुए नहीं है, ये आपका आकलन है। क्यों कटेंगे फॉरवर्ड वोट, काहे का कटेगा? इसका कोई कारण नहीं है। बिखराव तो पैदा किया जाता है। हम भी चुनाव लड़ रहे थे तो बहुत लोग बहुत तरह का बात कर रहे थे, तो कहाँ कुछ हुआ। इसलिए ये सब प्रचार करने का एक तरीका है विरोधियों का। कोई बिखराव वोट में नहीं है। तेजस्वी यादव सर लगातार यहाँ पे सभा कर रहे हैं और कहना है उनकी उनका कि डॉक्टर हमें बोला है कि आप आराम कीजिए, लेकिन हम जब तक मोदी जी को आराम नहीं करने देंगे, जब तक उनको हम नहीं ये करेंगे, तब तक हम आराम नहीं करेंगे। वो आराम इस चुनाव के बाद 4 जून के बाद वो अस्थायी तौर पर आराम करेंगे। वो 4 जून के बाद अस्थायी तौर पर आराम करेंगे। पहले बिहार में घूम रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, घूम रहे हैं तो घूम के ये बताना चाहिए ना कि उनके पिताजी, उनकी माता जी ने भी 15 साल बिहार में शासन किया और उनके पिताजी और माता जी के समय बिहार की हालत क्या थी, बिहार में क्या स्थिति थी, कहीं रोड था क्या, कहीं बिजली थी, कोई कानून व्यवस्था था। और आज नीतीश कुमार जी के 18 साल के शासनकाल में गांव-गांव में सड़क है, गांव-गांव में बिजली जल रही है, कानून व्यवस्था दुरुस्त है, सिवान, छपरा, गोपालगंज से कोई 2 बजे रात में भी पटना जाए, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और उनके पिताजी और माताजी का जब राज था तो 7 बजे शाम के बाद कोई निकलता नहीं था, घर से नहीं निकलता था 7 बजे शाम के बाद, दहशत में रहता था। तो ये बिहार के लोग नहीं भूले हैं, बिहार के लोग आज भी हैं। जो नए उम्र के लोग हैं वो जरूर नहीं देखे होंगे पुराना राज, तो इसलिए वो जब उन्होंने होश संभाला तब वो उन्होंने नीतीश जी का सुशासन देखा, जहां विकास का काम हुआ, जहां कानून व्यवस्था दुरुस्त हुआ, जहां रोड बड़ा, सड़क बना, बिजली बनी। सर तेजस्वी जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कहा था भाजपा 2014 में आई है, 24 में जाएगी, इसी अनुसार काम कर रहे हैं और बिहार से कम सफाया कर देंगे भाजपा। तेजस्वी जी भविष्यवक्ता हैं, 15 साल से तो इंतजार 18 साल से कर रहे हैं, 18 साल से तो इंतजार ही न कर रहे हैं, अभी 2 साल बाकी है। अब उनको बिहार की जनता फिर मौका नहीं देने वाली है। वो जितना मुगलता करें, वो परिवारवाद चलाते हैं, उनके यहाँ परिवारवाद चलता है, और हम लोगों के यहाँ एनडीए में नीतीश कुमार जी हो या कोई मोदी जी हो, हम लोग का कोई परिवार नहीं है, पूरा प्रदेश परिवार है। सिवान में सर आप आए हुए हैं, क्या कुछ यहाँ का माहौल दिखाई दे रहा है? सिवान में चुनाव जीतेंगे, माहौल क्या दिख रहा है? चुनाव में चुनाव जीतेंगे, हर हालत में चुनाव जीतेंगे। चुनाव सिवान के मतदाता मन बनाए हुए हैं, ये बजारू बात है जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। सर छपरा में जो हालात हुए हैं, रोहिणी आचार्य ने कहा है कि भाजपा गुंडों की पार्टी है और उनके द्वारा इस तरह का जंगल राज पैदा किया जाए, इसमें क्या कुछ है? अभी रोहिणी आचार्य बोल रही हैं, जाके अपने माता पिता से ना पूछो कि उनके राज में बिहार में क्या था, गुंडा राज था, कोई भला आदमी शाम में 7 बजे के बाद सड़क पर नहीं निकलता था, उनको हक है कहने का। अरे अपने माता पिता से पूछें, बिहार की जनता से पूछें, बड़े बुजुर्गों से पूछें कि भाई लालू जी के और राबड़ी जी के राज में आप शाम में निकलते थे क्या घर से? बहू बेटी घर से शाम में निकलती थी? नहीं निकलती थी, आतंक था। और यह सिवान तो अलग आतंक का राज था। सिवान में एक निर्दलीय प्रत्याशी है, चुनाव लड़ रही है और पूरी तरीके से गेरुआ गमछे लेकर के उनका कहना है कि हम लोग भी इस बार एनडीए के साथ जाएंगे। अरे ये सब तो भेष बदलना बहुरूपिया जानते नहीं है,
वोट लेने के लिए गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए और उनके महरूम पति जो थे वो सिवान के बारे में, सिवान का हर आदमी उनके बारे में जानता था कि उनके डर से कोई बोलने का साहस नहीं करता था। हम ही लोग जब समता पार्टी बनाए थे तो सिवान में कोई सिवान का कोई भी टेंट समियाना वाला दरी भी देने के लिए हम लोग को तैयार नहीं था। और नीतीश जी और हम सब लोग आए थे, स्टेडियम में मीटिंग किए थे, छपरा से दरी जाजिम और माइक लेके आए थे और लोग मीटिंग में नहीं आए थे, दीवार के चारों तरफ खड़े होके भाषण सुन रहे थे। अब वो भी बात कर रही हैं सुशासन का, कुना कानून व्यवस्था का, तो इससे आश्चर्य कोई बात हो सकता है क्या? सर 19 साल का दौर गुजरने के बाद क्या लग रहा है कि फिर से वो दौर आ सकता है थोड़ा देर के लिए? बिहार के लोग अब उस दौर को नहीं आ, काहे का कोई आएगा भाई? 20 घंटा 22 घंटा बिजली जलता जल रहा है तो आप कोई लालटेन लेकर काहे के लिए आएगा? हमको तो तेजस्वी जी को परामर्श देना है कि भाई लालटेन हटा लीजिए, अब लालटेन युग में बिहार नहीं जाने वाला है। आप लालटेन तब घुमाते थे जब बिहार में आपके माता पिता ने बिजली नहीं दी थी, तब आप लालटेन घुमाते थे क्योंकि हर घर में लालटेन जलता था। अब तो हर घर में बिजली जल रहा है, एसी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, 22 घंटा 20 घंटा बिजली रह रही है। उनसे पूछिए कि आपके पिताजी और माताजी जब बिहार के में शासन कर रहे थे, बिहार का प्रतिदिन कितना बिजली का मेगावाट का खर्च था? 600 मेगावाट, उसमें लगभग 150 मेगावाट इकरारनामा के मुताबिक नेपाल को और रेलवे को दिया जाता था, तो 400 450 मेगावाट में बिहार को बिजली दे रहे थे उनके माता पिता, तो लालटेन लेके घूम रहे थे क्योंकि बिहार को लालटेन में ही रखा था उन्होंने। अब नीतीश कुमार जी ने तो हर जगह बिजली चकाचक दे दिया है, 6800 मेगावाट प्रतिदिन बिजली का खपत है आज बिहार में और आपूर्ति की जा रही है। तो आप कौन लालटेन युग में जाना चाहेगा? अब तो तीर है, एक एक तीर से 10-10 लालटेन फूटेगा। 2024 का चुनाव सर, क्या इसके बाद नीतीश कुमार जी रहेंगे मोदी जी के साथ या फिर से पलटी मारेंगे? ये कहां से आपको भविष्यवाणी कर रहे हैं? राजद के लोगों का छोड़िए ना, नीतीश कुमार जी ने मौका दिया कि माता पिता तो जो कर्म किए सो किए ही, कम से कम पुत्र कुछ सुधरने का रास्ता देखे, लेकिन सुधरने के लिए कोई तैयार नहीं है और इसलिए नीतीश कुमार जी ने तुरंत 2 मिनट में विदा कर दिया। क्योंकि नीतीश कुमार जी लंबे समय से इस देश की राजनीति में केंद्र में मंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, भूतल परिवहन मंत्री रहे, 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आज तक कोई विरोधी भी नीतीश कुमार जी पर कोई पक्षपात का और भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सका और आप तो जब मौका मिलता है उसी में डूब जाते हैं। तो नीतीश कुमार जी इसको तो बर्दाश्त करने वाले हैं नहीं। सर इसको क्या समझा जाए? नीतीश जी ने बड़का गांव के जनसभा में कहा कि मदरसों को हमने बहुत इमदाद की है, उसमें कई दुख दो रह नहीं है, लेकिन वहीं गांधी मैदान के जो प्रांगण में असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने एक झटके में 700 मदरसे बंद कर दिए। इसको क्या समझा जाए सर? असम के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं वो असम में जाने नहीं आए थे, वो अलग बात है, लेकिन असम के मुख्यमंत्री असम में क्या कर रहे हैं वो जाने। बिहार में तो जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनका जो काम है, आज आप एक बात बता दीजिए कि 18 साल से नीतीश कुमार जी बिहार में शासन कर रहे हैं, आप एक उदाहरण नहीं बता सकते हैं जहां अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर अत्याचार हो और अल्पसंख्यक समुदाय असुरक्षित महसूस किए हो। नीतीश कुमार जी मदरसे के जो शिक्षक थे उनकी जो बदहाली थी, जो आज दावा करते हैं MY समीकरण का यहाँ तेजस्वी जी, उनके पिताजी माताजी भी शासन में थे 15 साल तक और 15 साल में उन्होंने कोई मदरसा पर ध्यान नहीं दिया और नीतीश कुमार जी ने बिहार के मदरसों को सुधारा। बिहार के मदरसा के जो शिक्षक हैं
उनको सप्तम वित्त आयोग का जो अनुशंसा था उसके अनुरूप वेतन देने का उन्होंने काम किया। तो नीतीश कुमार जी का नारा है न्याय के साथ विकास, और न्याय के साथ विकास का मतलब है कि उन्होंने विकास भी किया और समाज के हर तबके के साथ उन्होंने न्याय किया। और जो समाज में सबसे पिछले पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, समुदाय है, उसके लिए विशेष अवसर देके उन्होंने उसको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। और इसी के तहत उन्होंने 20% अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया पंचायती राज व्यवस्था में, नगर निकाय में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया, क्योंकि उनका मानना था कि 50% की आबादी के लिए अगर विशेष प्रयास नहीं किया जाए, उसके को समाज के मुख्य धारा में नहीं लाया जाए तो संभव नहीं है बिहार का विकास, तो इसलिए 50% का आरक्षण दिया। 32% का 2012 में उन्होंने पुलिस सेवा में दिया। आज बिहार एकमात्र राज्य है पूरे देश में जहां लगभग 30,000 से ज़्यादा बिहार पुलिस में महिलाएं हैं, और 35% का आरक्षण उन्होंने महिलाओं को 2016 से बिहार के सभी वर्ग के नियुक्तियों में 35% का आरक्षण उन्होंने महिलाओं को दिया। तो महिलाओं के साथ न्याय किया उन्होंने, अति पिछड़े वर्ग के साथ न्याय किया, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मान, अल्पसंख्यक समुदाय आज पिछड़े क्यों हैं, उनमें शिक्षा की कमी है, और इसलिए मदरसा का स्थिति उन्होंने सुधारा और मदरसा में भेजा, तालमी मरकज उन्होंने बनाया ताकि लोगों को स्कूल तक पहुंचाया जाए। तो ये सारे काम मुख्यमंत्री जी ने किया, और मुख्यमंत्री जी का यही है कि समाज के हर तबके का जब तक विकास नहीं होगा तब तक विकसित बिहार का कल्पना नहीं किया जा सकता। पलायन की समस्या पे आप लोगों क्या दृष्टिकोण है? कौन सा पलायन? यहाँ से मजदूर जो बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, देखिए मजदूर अगर कहीं बाहर जाते हैं काम कमाने के लिए ये उनकी मर्जी है, लेकिन आज बिहार के धरती पर इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इतना कंस्ट्रक्शन हो गया है कि जो यहाँ काम करना चाहेंगे वो उनको यहाँ काम आसानी से उपलब्ध हो जाता है। 40 सीटें अगर बिहार में भाजपा को मिलती है, क्या विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलने वाला है? नहीं, ये अलग बात है विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा कि नहीं, लेकिन हमको जो सुविधा और भी पैकेज भी है, कई तरह की चीज़ें, जैसे आप देखिए बिहार में कोई उद्योग नहीं लग रहा था, उसका कारण था कि यूपीए की सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने एक शर्त लगा के रखा था कि इथेनॉल का उत्पादन वही कर सकता है जो चीनी का उत्पादन करेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस बात को लगातार मांग करते रहे कि चीनी के साथ इथेनॉल को मत जोड़िए, इथेनॉल का स्वतंत्र उत्पादन की अनुमति दीजिए, नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वह अनुमति दिया, और आज बिहार में 100 से ज्यादा इथेनॉल की फैक्ट्री लग रही है, तो इसलिए बिहार को और भी सुविधा मिलती है। तो हमको तो मतलब है बिहार का विकास से, तो बिहार का विकास में बिहार को पैकेज मिलता है, और बिहार को पैकेज अगर मिलता है तो उससे भी हमारा काम होता है। आज एक निर्णय से 100 फैक्ट्री लग रही है बिहार में इथेनॉल की, इसी तरह और भी कई चीज़ें होंगी आगे भविष्य में। तेजस्वी यादव का दावा है सर कि 300 से ज़्यादा सीट जीत रही है एनडीए गठबंधन। अरे तेजस्वी जी दावा कुछ भी करते रहे, पिछला चुनाव में दावा कर रहे थे 2019 में कि सब सीट हम जीत रहे हैं, सर आज जीरो पर आउट हो गए थे। सर मुंगेर सीट पर आपके सामने बाहुबली, हम अपने विरोधी पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हैं, वो चुनाव हो चुका है, मतदान बंद है, ये तो 4 तारीख को पता चलेगा, हम कोई भविष्यवक्ता हैं? अरे हमको उससे कोई मतलब नहीं है, ये तो मतदान के दिन पता चलेगा। आप अशोक महतो का ब्रीफ काहे के लिए हुए हैं सर? जब चर्चा आपकी आ रही थी तो कह रहे थे कि हम नहीं जानते हैं। बहुत अच्छी बात है, वो नहीं जानते हैं, संभव है वो नहीं जानते होंगे, हम उनको शुभकामना देते हैं कि हमको नहीं जानते हैं। ये भी बयान आ रहा था कि अगड़ा वर्सेस पिछड़ा की लड़ाई है। अब ये अलग बात है, ये सब तो लोग करते रहते हैं, वहाँ के लोग विकास पर वोट देते हैं, और मुंगेर में विकास जो हुआ है ये जाके आपको भी निमंत्रण देंगे, चले जाइए और जाके देख के आइए।